हेलो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम नोकिया G42 5G के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसके बारे में कोई भी इंटरनेट पे बात नहीं कर रहा है, आपको उस लेवल की या उतने क्वांटिटी में जो वीडियोस हैं वो देखने को नहीं मिल रही होंगी। अब 12,500 रुपये का ये स्मार्टफोन दोस्तों आता है, नोकिया की तरफ से स्मार्टफोन है और जो स्पेक्स हैं वो थोड़े से ठीक ठीक से भी हैं अगर हम पुराने नोकिया के स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका ध्यान स्मार्टफोन की तरफ गया है या अभी इस वीडियो को देखने के बाद जाने वाला है तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या 12,500 रुपये में मुझे नोकिया का G42 5G लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं लेना चाहिए तो इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। मेरा नाम है साहिल और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहले गाइस प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो 12,500 रुपये का ये आता है 128GB स्टोरेज के साथ। तो ठीक है, मतलब 128GB स्टोरेज हमें इस प्राइस पे मिल रही है, तो एक डिसेंट सा काम यहाँ पर नोकिया ने किया हुआ है। अब सबसे पहले जो इस स्मार्टफोन की कमी है उसके बारे में ही बात करना चाहूंगा, डिस्प्ले गाइस। अगर आप फ्रंट से इस स्मार्टफोन को देखते हो तो बहुत ज्यादा ओल्ड लुक लगता है। अब जो वाटर ड्रॉप नोच है गाइस वो हमें जनरली देखने को नहीं मिलती है। अगर आप मोटरोला की तरफ देखते हो, आप रेडमी की तरफ देखते हो, रियलमी की तरफ देखते हो, तो इस प्राइस रेंज पे भी पंच होल डिस्प्ले आना शुरू हो गई है, जो कि इस डिस्प्ले से तो बहुत ज्यादा मॉडर्न लगती है। अभी जो डिस्प्ले है वो सिर्फ HD+ की ही डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में हमें फुल HD रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं और 90Hz का ही रिफ्रेश रेट है ओनली। तो अब हम बात करते हैं कि कंपटीशन में ये डिस्प्ले कहाँ स्टैंड करती है। अगर कंपटीशन में आप देखते हो तो कोई ऐसा ब्रांड जो कि सिर्फ HD+ ही दे रहा हो लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट 120Hz का रिफ्रेश रेट हमें मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ HD+ ही है और उसके बावजूद भी 90Hz का पैनल देखने को मिल जाता है। तो अगर आप डिस्प्ले वाइज देखते हो तो बहुत ज्यादा ओल्ड लुक लगती है और इस टाइम के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो उतनी ज्यादा बेटर मुझे नहीं लगी है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूंगा गाइस, यहाँ पर नोकिया ने मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा बेटर काम ही किया है, बिकॉज स्नैपड्रैगन का 480+ चिपसेट यूज किया है। ऑब्वियसली बात है 5G स्मार्टफोन है और इसी के साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 3 साल तक जो मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो मिलेंगे, हर मंथ अपडेट मिलेंगे ऐसा नोकिया का कहना है, और जो 2 साल के एंड्रॉइड OS अपग्रेड्स हैं वो भी मिल जाएंगे, यानी कि एंड्रॉइड 13 पे ये लॉन्च हुआ है तो एंड्रॉइड 15 तक जो अपडेट्स हैं वो भी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। अब ये जो स्मार्टफोन है गाइस क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, आपको किसी भी तरह की एड्स नहीं मिलेंगी, ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा और जो फालतू की नोटिफिकेशन आती रहती है ना जिनसे थोड़ा बहुत फोन स्लगिश या लैगी भी हो जाता है वो हमें इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिल जाती है, जो कि मुझे एक बेटर थिंग लगती है अगर हम नोकिया के स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। अब जो परफॉर्मेंस है आप देखते हो कि स्नैपड्रैगन का 480+ चिपसेट है और स्टॉक एंड्रॉइड है, तो आपको डे टू डे टास्क में इस स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, फोन आपको स्मूथ लगने वाला है। लेकिन आप थोड़ी सी हैवी गेमिंग इसमें करोगे तो उस लेवल का ये स्मार्टफोन नहीं रहने वाला है। गेमिंग आप इसमें कैजुअल लेवल की कर पाओगे लेकिन हैवी गेमिंग करोगे तो यहाँ पर हीटिंग और जो लैगिंग के इश्यूज हैं, इवन की जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं वो आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम मतलब एक बैलेंस से यूजेस के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको नॉर्मल डे टू डे टास्क करने हैं तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत इस स्मार्टफोन में नहीं आने वाली है। बैटरी सेक्शन के बारे में बात करते हैं गाइस, 5000mAh की बैटरी यहाँ पर नोकिया ने दी है, वो 20W के चार्जिंग का सपोर्ट है, तो चार्जिंग भी मतलब ठीक ठीक ही है। लेकिन अगर हम कंपटीशन भी देखें तो 30 या 33W की चार्जिंग का सपोर्ट एटलीस्ट बाकी ब्रांड्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो यहाँ पर भी मतलब ओके मैं बोलना चाहूँगा। लेकिन अगर कंपटीशन की तरफ आप जाते हो तो कंपटीशन में इस स्मार्टफोन से बेटर हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम फाइनली कैमरा सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो कैमरा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ अच्छे लेवल के जो कैमराज हैं यहाँ पर लगे नहीं हुए हैं। और इसके बाद जो इसके कैमरा सैंपल्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, तो एक बार आप कैमरा सैंपल चेक कीजिए और बताइए कि किस लेवल की जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर फील हुई है। अब गाइस फाइनली वर्डिक्ट क्या बनता है स्मार्टफोन का कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले देख लो गाइस कि बैक से भी जो इसका डिजाइन है और जो फ्रंट से भी इसका डिजाइन है वो मुझे थोड़ा सा मतलब ओल्ड फैशन लगा है, जिस लेवल के जो डिजाइन है वो आजकल आना शुरू हुए हैं तो उस हिसाब से मतलब उतना बेटर नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को इस तरह के क्लासिक डिजाइन भी जो है पसंद आते हैं। लेकिन जो फ्रंट में वाटर ड्रॉप नोच है वो थोड़ी सी ओल्ड लगती है, बिकॉज अब जो है पंच होल डिस्प्ले हमें सभी स्मार्टफोन में मिल रही है।
एटलीस्ट फुल एचडी पैनल यहाँ पर होना चाहिए था। अगर 90 हर्ट्ज है तो उसमें भी थोड़ा बहुत कंटेंट आप देखोगे तो वो थोड़ा सा लैक इस स्मार्टफोन में कर जाने वाला है। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो मुझे बैलेंस ही देखने को मिली, लेकिन अगर आप कंपटीशन में जाते हो तो वहाँ पर आपको बेटर ही चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक मोटरोला का G34 5G। अगर आपको ऐसा ही फ़ोन चाहिए जो कि क्लीन एंड्रॉयड के साथ आता हो, स्टॉक एंड्रॉयड जैसे फील देता हो, तो मोटरोला का G34 5G है, या इवन जो G54 5G वो भी इससे 1500 रुपया ही आगे आता है, तो वो भी आप इसकी जगह कंसीडर कर सकते हो। बाकी आपका क्या सोचना है आज भी 2024 में नोकिया के स्मार्टफोन के बारे में, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। बाकी परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर अगर आप परचेज करते हो तो थोड़ी सी कमीशन हमें मिल जाती है। आपसे मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो के साथ।